कैदी जो जेल में रहता है वो जेल में रहकर भी कुछ इतना सुंदर बना सकता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो अभी हम सूरज कुंड की उस स्टॉल पर पहुंचे हैं जहां पर जो सामान आप देखेंगे वो कैदियों ने बनाया है। हरियाणा स्टेट में जो है 20 जेल है, 20 जेल में से 2 जेल हमारी अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए वहाँ से ना आकर बाकी 18 जेल से जो है हमारे यहाँ पर बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुएं पहुंची हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद, मैं आपके साथ कुणाल भाटी। साथियों, कैदी जो जेल में रहता है वो जेल में रहकर भी कुछ इतना सुंदर बना सकता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो अभी हम सूरज कुंड की उस स्टॉल पर पहुंचे हैं जहां पर जो सामान आप देखेंगे वो कैदियों ने बनाया है, यानी हरियाणा प्रेजेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल पर हम पहुंचे हैं। और यहां पर जो है सामान आप देख पा रहे हैं, ये जो घर में यूज होने वाली जो टेबल है, यहाँ पर जो आप ये टेबल देख पा रहे हैं, ये जो ट्रे यूज होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर और चीजें हैं। फोन स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, यहाँ पे जो आप इतनी सुंदर सुंदर चीजें देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये पेन स्टैंड है, देख सकते हैं कितना सुंदर पेन स्टैंड यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सभी जेल में रहे कैदियों ने बनाया है। देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है ये मुहिम चलाई जाती है कि जो कैदी जेल में रहते हैं उनसे कुछ ऐसा बनवाया जाए जो कि वो जब जेल से बाहर निकले तो वो उस प्रोफेशन को चुन ले और उसके बाद वो जो गलत काम है उन्हें ना करे। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी जो है वो कैदियों द्वारा बने। सोचिए, ऐसा लग रहा है कि ये किसी आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई हो, लेकिन ये कैदियों द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देख सकते हैं ये कैदियों के द्वारा सारी चीज़ें बनाई गई हैं। सामने आप वो पेंटिंग देखेंगे जो भोलेनाथ की पेंटिंग है, भोलेनाथ की पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रिंटआउट निकाल दिया है, लेकिन ये प्रिंटआउट नहीं है, ये कैदी द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ पर इस साइड आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपको दिखेंगी, अंदर चल के मैं दिखाऊंगा। तो ये जितनी भी आप ये पेंटिंग्स देख पा रहे हैं ये सभी जेल में रहे कैदियों ने बनाई है और बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें वो जो है वो बनाकर हर साल यहाँ पर पेश करते हैं सूरज कुंड मेले में। सामने आप घड़ी देख पा रहे होंगे, उसका जो वुडन फ्रेम है वो सभी चीजें जो है जेल में कैदियों ने बनाया है। कैसे कैदियों को सिखाया जाता है, हमारे साथ सर है, एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उन्हें सिखाया जाता है। सर, जेल में रहे कैदियों से इतना सुंदर सुंदर सामान आप बनवाते हैं, कैसे उन्हें सिखाते हैं, क्या इसका मोटिव है, एक बार ये हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट का एक बड़ा ही प्रोत्साहित करने वाला काम है। इसमें कैदी बंदियों को जो है समाज में दोबारा वो घुल मिल जाएं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, इसलिए उनको फर्नीचर का, लोहे का या आयुर्वेदिक काम सिखाया जाता है। या वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद इससे बनाएं, आइटम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं जिनको काम आता है, क्योंकि जेल में हर तरीके का, हर वर्ग का आदमी आता है, जिसको काम आता है वो काम सिखाता है, और जो बाकी अन्य जो कैदी बंदी हैं वो जो है काम सीखना चाहते हैं तो वो काम सीखते हैं, और उन्हीं के हाथों से बना हुआ ये सामान हम यहाँ रखते हैं ताकि इससे आने वाले प्रॉफिट को, हल्का सा प्रॉफिट हम रखते हैं, उन्हीं के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। जी सर, यहाँ पे क्या क्या सामान जो है, कहाँ कहाँ से जो है, किस किस जगह के कैदियों के सामान यहाँ पर आप लेकर पहुँचे? हरियाणा स्टेट में जो है 20 जेल है, 20 जेल में से 2 जेल हमारी अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो इसलिए वहाँ से ना आकर बाकी 18 जेल से जो है हमारे यहाँ पर बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुएं पहुँची हैं। और ये यमुनानगर से, सोनीपत से, अम्बाला से, रोहतक से, फरीदाबाद से, इनसे जो है आइटम्स फर्नीचर का आया है, नारनौल से जो है कपड़ा है, पानीपत से भी दरी, कपड़ा और फर्नीचर आया है। इसके अलावा जो है यमुनानगर से आयुर्वेदिक एलोवेरा जेल, एलोवेरा करीम, आंवला जूस, आंवला कैंडी, ये सभी मिक्स आइटम्स जो है वहाँ से आई। सर, क्या मोटिव रहता है इसके पीछे कि कैदियों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाए, उनको ये सारी चीज़ें बताई जाए, किस मोटिव के साथ इन चीज़ों को आप जेल में चलाते हैं? देखिए, जेल अब वो एक जगह नहीं रही है जहाँ पर सिर्फ बंदियों से को सजा कटाने के लिए रखा जाता है, वो एक सुधारात्मक जगह है जहाँ पर बंदियों की सोच को बदला जाए ताकि वो क्राइम के रास्ते को छोड़कर वापस उसी समाज में घुल मिल जाए। और इसी मोटिव को लेकर हम ये काम सिखाते हैं, क्योंकि
जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि वो समाज में वापस जाकर कम से कम इस पोजीशन पे तो खड़ा हो जाए कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अगर उसे अपने हाथ से बना हुआ काम आता है तो वो थोड़े से लोन से या थोड़े से कहीं से पूंजी जुटाकर काम शुरू कर सकता है। इसी मोटिव के साथ हरियाणा सरकार काम कर रही है। देखिए आज के समय में कितनी अच्छी बात हो गई है कि हरियाणा पुलिस इतना अच्छा एक मुहिम चला रही है कि कैदी जब जेल से बाहर जाए तो वो दोबारा किसी क्राइम पर ना जाए, बल्कि वो एक ऐसा काम सीख ले जो उसको आत्मनिर्भर बना सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटिंग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। इस प्रकार की सुंदर सुंदर पेंटिंग जो है ये बनाई गई है, लेकिन ये जो है वो उन कैदियों ने बनाई जो जेल में रहते। तो इससे पता चलता है कि जेल में रहने वाले कैदियों को भी बहुत कुछ आता है, कुछ मजबूरी रही होंगी जिस वजह से उन्होंने जो क्राइम किया होगा उस क्राइम के बाद वो जेल में अंदर आए हैं। बाकी देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर मंदिर उन्होंने बनाए और ये पूरे हैंडवर्क है, ये देख सकते हैं पूरा हैंड से काम, हाथों से कारीगरी की गई और कितनी बारीक कारीगरी की गई है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। और ये सभी उन्हीं लोगों द्वारा किए गए हैं जो किसी न किसी क्राइम में जेल में अंदर थे। तो इससे समझ आता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है और वो बाहर आकर कितना अच्छा रोजगार कर सकते हैं। देख सकते हैं टेबल स्टैचूज कितना सुंदर सुंदर और बहुत ही कम रेटों पर यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है। सूरजकुंड मेले में आपको बता दूँ बहुत ही कम रेटों पर ये आपको मिलने वाला है। तो सूरजकुंड मेले में आते हैं तो इन लोगों को जरूर प्रोत्साहन दें, क्योंकि ये वही कैदी हैं जिनसे आपसे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और बाहर जाकर वो इन चीज़ों को बनाएंगे। इसके अलावा फर्नीचर के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे एलोवेरा जेल, एलोवेरा क्रीम, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली, जो कि आज के टाइम में आयुर्वेदिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ये जो आपको ये मिलने वाली हैं। आपको बता दें यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, रोज़ वाटर, तुलसी, एलोवेरा जेल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको बता दें 822 और 823 स्टॉल नंबर जो है ये यहाँ पर है, जहाँ पर आकर आप ये सुंदर सुंदर चीज़ें देख सकते हैं जो कि जेल में कैदियों ने बनाई हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ स्टॉल पर एक बारी और स्टॉल पर आकर जो है इन चीज़ों को देखें और इन चीज़ों को प्रोत्साहन दें। ऐसी ही तमाम खबरों की अपडेट और सूरजकुंड की हर जानकारी के लिए जुड़े रहें और देखते रहें पहचान फरीदाबाद।